इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 11th लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कैस्केडिंग का मीनिंग देखेंगे, कैस्केडिंग स्ट्रक्चर्स, इसको क्यों कैस्केडिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फिर हम सीएसएस रूल प्रेसिडेंस देखेंगे, फिर हम एक इंपॉर्टेंट का टैग होता है वो देखेंगे, वो क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद स्टाइलिंग द टेक्स्ट, डिफरेंट ऑप्शन हैं जैसे फॉन्ट फैमिली को सेट करना, फॉन्ट स्टाइल को सेट करना, वेरियंट सेट करना, साइज, टेक्स्ट को कैसे अलाइन किया जाता है और लाइन हाइट, इन चीज़ों का हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग। जब आप सीएसएस डिफाइन करते हैं तो सीएसएस डिफाइन करने के तीन तरीके हमने सीखे हैं, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, इंटरनल सीएसएस फाइल और इनलाइन सीएसएस फाइल। अगर आपने एक ऐसा पेज है जो कि एक ऐसा एचटीएमएल पेज बनाया जिसमें भी सीएसएस अप्लाई नहीं किया, तो वेब ब्राउजर को कैसा नजर आएगा? वेब ब्राउजर पर जो वेब ब्राउजर, उस वेब ब्राउजर के डिफॉल्ट सेटिंग्स होंगे, डिफॉल्ट स्टाइल होंगे, उसके मुताबिक नजर आएगा। अगर आप उसको क्रोम में ओपन करेंगे तो जो क्रोम की सेटिंग होगी वो नजर आएंगी। अगर आप उसको मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब जो फायरफॉक्स की डिफॉल्ट स्टाइल की सेटिंग होगी उसके मुताबिक नजर आ रहा होगा। अब अगर आपने एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल पर डिफाइन की हुआ, उस पेज में अप्लाई की हुई है, तो आप ब्राउजर डिफॉल्ट यूज नहीं हो रहे होंगे, अब आपके पास वो स्टाइल यूज हो रहे होंगे जो कि एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में आपने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप ब्राउजर डिफॉल्ट्स की जगह पर एक्सटर्नल सीएसएस फाइल्स की सेटिंग यूज हो रहे होंगे। अब अगर आपने वही रूल इंटरनल सीएसएस में भी डिफाइन कर दिया है तो अब कौन सी सेटिंग्स यूज होंगी? अब एक्सटर्नल सीएसएस वाली नहीं यूज होगी, अब इंटरनल सीएसएस वाली यूज होंगी। ठीक है, जो कि हम हेड के सेक्शन में डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर हमने थर्ड तरीका देखा था इनलाइन सीएसएस का। इनलाइन सीएसएस से मुराद वो होती है कि जो आप इनसाइड एंड एचटीएमएल टैग, जो आप एचटीएमएल टैग के इनसाइड अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अगर ये सेम रूल आपने इनलाइन सीएसएस में भी डिफाइन कर दिया है जो कि इंटरनल में भी डिफाइन हुआ था और एक्सटर्नल सीएसएस में भी डिफाइन हुआ था, तो अब कौन से रूल्स यूज हो रहे होंगे? अब वो स्टाइल अप्लाई होगा जो कि इनलाइन सीएसएस में डिफाइन हुए हैं। ठीक है, इसको कैस्केडिंग कहते हैं कि आपके पास रूल्स ओवरराइड हो रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस की जगह पर इंटरनल, और अगर इंटरनल के अलावा इनलाइन भी डिफाइन हुए हैं तो इनलाइन वाले यूज हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम नोटपैड ओपन करते हैं। अब मेरे पास एक सिंपल एचटीएमएल पेज है जिसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ का टैग पहले ही ऐड किया हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, और अभी कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ है क्योंकि ये वाला सेक्शन भी कमेंट के अंदर है और यहाँ पे जो कमेंट है सेक्शन है वो भी कमेंट के अंदर है। ठीक है, ये सारा जो सेक्शन कमेंट में होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। तो अब हम यहाँ पर इस पेज को सेव करके ब्राउजर में ओपन करते हैं, रिफ्रेश करें। तो देखें, अभी आपके पास जो पैराग्राफ है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। ये कौन सी सेटिंग है? जो कि ब्राउजर की अपनी डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई सीएसएस अप्लाई नहीं की, तो ब्राउजर के अंदर जो पैराग्राफ है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का नजर आता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैंने एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल पहले क्रिएट की हुआ और उसके अंदर एक रूल डिफाइन किया हुआ जिसके अंदर पैराग्राफ का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, अब हमने इस एक्सटर्नल फाइल को पेज के अंदर इंक्लूड करना है, तो ये जो कमेंट का सेक्शन है यहाँ से हम खत्म करके यहाँ पे ले आते हैं और पेज को सेव करें। अब देखिए, मैंने जो है एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का नाम था लेक्चर 11 स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, इसको पेज में ऐड कर दिया। अब इसको हमने सेव कर लिया, अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास जो ब्राउजर पे कलर आ रहा है कौन सा आ गया है, यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया है। ठीक है, ग्रीन क्यों हुआ है कलर? क्योंकि जो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल है उसमें मैंने पैराग्राफ के लिए ग्रीन कलर डिफाइन किया हुआ है। अब एक्सटर्नल के साथ साथ अब हम इनलाइन सीएसएस भी यूज करते हैं, तो इस कमेंट के सेक्शन को खत्म कर देते हैं यहाँ से और पैराग्राफ कलर बिलो। अब ये इनलाइन भी है। ठीक है, अब यानी कि आपने एक्सटर्नल भी स्टाइल एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी सेम रूल डिफाइन किया, क्योंकि पैराग्राफ है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, और यहाँ पे भी पैराग्राफ के लिए रूल डिफाइन कर दिया है लेकिन यहाँ पे हमने कलर बिलो किया है। अब आप पेज को सेव करें, सेव करने के बाद ब्राउजर पे रिफ्रेश करें, तो अब आपको पैराग्राफ बिलो कलर का हो गया, यानी अब एक्सटर्नल सीएसएस फाइल्स की सेटिंग अप्लाई नहीं हो रही, अब कौन सी यूज हो रही है? इनलाइन वाली। अब हम दोबारा से जाते हैं और
अब ये इनलाइन वाले को भी ओपन कर देते हैं और इसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं सिंपल पैराग्राफ को और पेज को सेव करें। अब देखें सेम रूल है कि जो पैराग्राफ का कलर है वो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है और एक्सटर्नल में ग्रीन है, ठीक है। तो अब कौन सा आपके ख्याल में कलर यूज होगा जो कि इनलाइन में डिफाइन हो, जिसका यहाँ पे रेड हो गया। तो इस तरह से कैस्केडिंग स्टैच्यूज काम करती हैं कि अगर आपका सेम रूल है डिफरेंट जगहों पे यूज हुआ है तो सबसे पहले ब्राउजर डिफॉल्ट यूज होगा, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फाइल में चेक करेगा, फिर इंटरनल में और फिर इनलाइन में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सीएसएस टूल प्रेसिडेंस। अब इसको देखते हैं। अज्यूम करें कि आपके पास सीएसएस फाइल के अंदर एक ही रूल दो दफा डिफाइन हुआ है, ठीक है। फिलहाल अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और सिर्फ फिलहाल हम एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल फाइल में आप ये करें कि सेम रूल को आप दो दफा डिफाइन कर रहे हैं, एक जगह पे आपने कलर ग्रीन कर दिया और एक जगह पे रेड कर दिया, ठीक है। इस तरह से सेव कर लें। अब पैराग्राफ के लिए आपने सीएसएस के अंदर कलर ग्रीन, फिर सेम पैराग्राफ के लिए कलर रेड, अब कौन सा यूज होगा, किस रूल की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी। अब जो आपने बाद में डिफाइन किया हुआ है इस केस में वो वाला यूज होगा, जैसे पहले ग्रीन है फिर बाद में कौन सा रेड। तो अब अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर रेड यूज हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले रेड था इसलिए चेंज भी वहाँ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे रेड की जगह पर ब्लू कर देते हैं ताकि फर्क नजर आए, ठीक है। अब आप पेज को रिफ्रेश करें तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाद में डिफाइन होगा वो वाला यूज होगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं, हम ये क्या काम करते हैं कि एक और सीएसएस फाइल बनाते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक पेज के अंदर आपने एक साथ सीएसएस फाइल यूज की हो और ये वाला कॉपी करते हैं यहाँ पर पेस्ट करें और इस फाइल को भी सेव कर लें, ठीक है। यानी कि पैराग्राफ के लिए कलर जो है कलर इक्वल टू ग्रीन है यहाँ पर, इसको भी हम चेंज करते हैं, ग्रीन कुछ और कर लेते हैं। फाइल सेव होने के बाद अब हम इसको एक नए नाम से सेव करते हैं और इस फाइल को भी हमने एचटीएमएल पेज के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। लेक्चर 11 स्टाइल 2 डॉट सीएसएस इस नाम से हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। एचटीएमएल तो पहले ही, तो मैं इसको और ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ग्रीन किया था यूज, यहाँ पे ब्लू था, इसके अंदर अभी तक ब्लू यूज होगा और यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट येलो, ठीक है। और अब क्या करते हैं सर, इसको सिंपल करते हैं कि फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे अब हम करते हैं सेकंड एचटीएल सीएसएस फाइल भी ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम स्टाइल 2, ठीक है। यानी अब सेम रूल है जो कि पहली सीएसएस में भी डिफाइन हुआ है लेकिन कलर ग्रीन के साथ, और सेकंड सीएसएस में भी डिफाइन हुआ है कलर येलो के साथ। अब कौन सा यूज होगा, स्टाइल शीट में से यूज होगा या इसमें से यूज होगा। सर इसमें ये चीज नोट करनी है, जो स्टाइल शीट आपने बाद में ऐड किया, बाद में कौन सी ऐड की है, स्टाइल 2 वाली, जो स्टाइल शीट बाद में ऐड किया वो वाला यूज होगा, ठीक है। बाद में सीएसएस 2 वाली थी, इसमें येलो है तो इसका मतलब यहाँ पे कलर कौन सा आना चाहिए, अब येलो आना चाहिए, ठीक है। देखिए येलो हो गया, इसका मतलब कौन सा यूज होगा जो बाद में ऐड किया। अगर मैं यहाँ पे इसके ऑर्डर चेंज कर दूँ, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कट करूँ और कंट्रोल भी पेस्ट करूँ, अब बाद में कौन सी आ गई है, लेट्स से 11 स्टाइल, ठीक है। तो अब कौन सा यूज होगा, अब देखते हैं रिफ्रेश करके, अब देखिए ग्रीन हो गया। ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि बाद में अब लेट्स से 11 स्टाइल वाली शीट आ गया और उसके अंदर कौन सा है, ग्रीन, इसलिए ये वाला यूज हो रहा है। तो ये हमारा रूल प्रेसिडेंस के रूल्स किस तरह से काम करते हैं, जो जो स्टाइल उसको बाद में मिलेगा वो वाला वो अप्लाई करेगा। अब इसके बाद वाला टॉपिक हमारा कौन सा था, इसके बाद हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंट एक्ट, इसको भी अब कवर करते हैं। अच्छा अब हमने क्या करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ से, तो हमें समझ आ गया, अब हम ये वाली स्टाइल शीट रिमूव कर देते, एक ही रखते हैं और इसको यहाँ पे हमने क्या किया था, ग्रीन के साथ साथ इधर हमने क्या किया था, हमने एक और ऐड किया था, इसको रिफ्रेश करके भी चलाते हैं यहाँ तक। अब आपके ख्याल में अब आप जवाब दें कि अब कौन सा यूज होगा कलर, कि हमारे पास एक ही स्टाइल शीट है जिसके अंदर
ये पहले ग्रीन है, बाद में रेड है, और यहाँ पे भी एक ही ऐड की हुई है। तो अभी आपके ख्याल में कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे रिफ्रेश करें, रेड। देखिए यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन सा था स्टाइल के अंदर? रेड। लेकिन अब एक और चीज सीखते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यार जो पहले वाला था हमेशा वो ही यूज हो, बाद वाला यूज ना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक और टैग ऐड करेंगे इम्पोर्टेंट का, ठीक है। आप ऐसे इम्पोर्टेंट लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी प्रेफरेंस ज्यादा हो गई है, ठीक है। आप कौन सा यूज होना चाहिए? अब बाद वाला यूज नहीं होगा, अब पहले वाला यूज होगा, क्योंकि हमने साथ इम्पोर्टेंट लिखा। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है, ठीक है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट का कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि अगर आपने वो स्टाइल अप्लाई करना है जो कि पहले लिखा हुआ है और उसके साथ आप इम्पोर्टेंट का टैग लिखेंगे तो हमेशा ये वाला यूज हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाइलिंग द टेक्स्ट। उसमें सबसे पहले फॉन्ट फैमिली। अब हम फॉन्ट फैमिली को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम पहले जाएंगे नोटपैड पर, और अब हम ये करते हैं कि हम पैराग्राफ के साथ साथ एक हेडिंग भी ऐड कर देते हैं, H1 हेडिंग करें, H1 हेडिंग करें, और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग एंड आई एम अप्लाइंग CSS ऑन दिस हेडिंग, ठीक है। पेज को सेव करें, और अब हमें फॉन्ट फैमिली करना है, तो फॉन्ट फैमिली के लिए हम यहाँ पे H1 के लिए रूल डिफाइन करते हैं। ये हम कौन सा सिलेक्टर बाय द वे यूज कर रहे हैं? ये हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली में ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास, क्योंकि हमें जबानी तो यहाँ पे याद नहीं है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आपने W3 स्कूल की वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ से आपने फॉन्ट फैमिली के पेज को ओपन कर लेना, ठीक है। मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है पहले, तो आपको फॉन्ट फैमिली का आइडिया होगा। फॉन्ट फैमिली से बड़ा डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, और इसके अलावा और भी डिफरेंट स्टाइल है जो कि आप इस W3 स्कूल की वेबसाइट से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एरियल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ये आपके पास लिस्ट है डिफरेंट स्टाइल्स की जो कि आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे एरियल आपके पास आ गया है, ठीक है, इम्पैक्ट है, और भी डिफरेंट स्टाइल हैं, ठीक है। तो जब भी आपने एक स्टाइल यूज़ करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं आप यूज़ कर लेता हूँ इम्पैक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इम्पैक्ट को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहाँ से यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्या रखा है? इम्पैक्ट। सेमीकोलन ऐड करें, सेव करें इसको, और यहाँ पे अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे फॉन्ट साइज इम्पैक्ट यूज हो रहा है। अगर आपने इम्पैक्ट की जगह पे कोई और यूज करना है, मिसाल के तौर पर हम कर लेते हैं एरियल कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर इम्पैक्ट की जगह पर हम लिख देते हैं एरियल, और कॉमे के बाद इम्पैक्ट लिखे। अच्छा, मैंने ये दोनों क्यों लिखे हैं? समटाइम्स ऐसा होता है कि तमाम ब्राउजर्स या तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट टाइप के, जैसे विंडोज है, वन तो है, लिनक्स है, तो मैक है, और अब ये होता है कि ऐसा पॉसिबल है कि जो फॉन्ट है एरियल फॉन्ट साइज है, मे भी ऐसा हो कि किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल ना हो या कोई और ब्राउजर को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो इस केस में फिर वो एरियल की जगह पे कौन सा यूज़ करेगा? इम्पैक्ट यूज़ करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा जब भी फॉन्ट लिखें कम्बिनेशन में लिखें, जैसे एरियल इम्पैक्ट और एक और लिख देते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं ये वाला। अब मैंने तीन फॉन्ट साइज दिए वो इसलिए दिए कि अगर कोई ऐसा यूजर है जिसके पास कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे एरियल सपोर्टेड नहीं है, तो कौन सा फॉन्ट यूज होगा? इम्पैक्ट। अब अगर एक और यूजर है जिसके पास एरियल इम्पैक्ट दोनों ही नहीं है, तो कौन सा यूजर होगा? थर्ड वाला, ठीक है। अब एक ऐसा यूजर है जो कि आपके पेज ओपन कर रहा हो, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये तीनों ही नहीं है, तो फिर कौन सा यूजर होगा? फिर जो ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो यूज हो रहा होगा। तो जब भी हम फॉन्ट्स डिफाइन कर रहे होते हैं, हमेशा कम्बिनेशन में कर रहे होते हैं कि अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई अगर पहला ना चले तो दूसरा यूज हो जाए, दूसरा ना चले तो तीसरा यूज हो जाए, ठीक है। यूनिटी तौर पर हम थ्री डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हम इसको पेज को रिफ्रेश करें, तो फर्स्ट कम्बिनेशन में हमारा एरियल था, तो आप देखें यहाँ पे मेरा चेंज हो गया है।
तो फॉन्ट फैमिली में आप फॉन्ट फैमिली से क्या मतलब है, डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट फैमिलीज हैं जो कि आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट है W3 स्कूल के वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से आप देख सकते हैं। फॉन्ट फैमिली के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉन्ट स्टाइल। अब हम फॉन्ट स्टाइल पर आते हैं, फॉन्ट स्टाइल के लिए भी आपने W3 स्कूल पर जाना है, ठीक है। मैंने पहले पेज ओपन किया था, हमारे पास तीन ऑप्शन हैं फॉन्ट स्टाइल के लिए, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है, सेकेंड है इटैलिक, थर्ड है ऑब्लिक। अब हम इटैली को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेज में ऐड करते हैं फॉन्ट स्टाइल इटैली, ठीक है। स्टाइल अब ऐड किया और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर, तो अब देखें आपकी हेडिंग इटैलिक हो गई है। इटैली के बाद थर्ड नंबर पे हमारा है फॉन्ट वेरिएंट। तो फॉन्ट वेरिएंट के लिए भी आपने W3 स्कूल की वेबसाइट पर जाना है, आप वहाँ से इसके ऑप्शन देख लेंगे कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो फॉन्ट वेरिएंट बेसिकली एक ऑप्शन होती है नॉर्मल और एक होती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स का मतलब ये कि तमाम लेटर स्मॉल कैप्स होंगे, लेकिन स्मॉल और नजर आएंगे। अब इसको भी हम देखते हैं करके, कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लें, फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने से पहले की नोट करें कि यहाँ पे जिसका टी बड़ा है बाकी सब छोटे हैं, ठीक है। अब जब हम अप्लाई करेंगे इसको, अब देखिए तमाम लेटर कैप्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके पास फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के लिए भी W3 स्कूल पे जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। तो फॉन्ट साइज के लिए ऑप्शन हमारे पास हैं जी, मीडियम बाय डिफॉल्ट मीडियम है, दिस इज डिफॉल्ट, XX स्मॉल, स्मॉल लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, XX लार्ज, स्मॉलर लार्जर, लेंथ भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे पिक्सल के फॉर्म में आप दे सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में देते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन हैं। अब इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं फॉन्ट साइज को भी। अभी तक हम फॉन्ट साइज पिक्सल में दे रहे थे या परसेंटेज में दे रहे थे, अब हम देख लेते हैं स्मॉल देख के, ठीक है। तो अब हम पैराग्राफ में सेट करते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज और क्या ऑप्शन थी यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, एक्सेस लार्ज ये हम यूज़ करते हैं। कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगी, ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे हमें लार्ज निकालना है। यहाँ तो पिक्सल में दे दें या बता दें लार्ज मीडियम स्मॉल के फॉर्म में या परसेंटेज में, तीन तरह से आप सेट करते हैं। तो अभी हमने लार्जर सेलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेस लार्ज और सेमी कॉलन, ठीक है। सेव करें, सेव करने के बाद अब हम पैराग्राफ का फॉन्ट चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। देखिए पैराग्राफ का साइज बड़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस में साइज को डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट को समझने के लिए हम जाते हैं नोटपैड पर और एक और चेंज करते हैं कि अब हम हेडिंग को फिलहाल रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और इसी पैराग्राफ को ज़रा रिपीट करते हैं। लेकिन कॉपी ज़रा इसको बड़ा करते हैं ताकि मैं इसका टेक्स्ट ज़्यादा कर लें, अलाइनमेंट समझने में आसानी होगी, ठीक है। और हम इसको एक आईडी साइन कर देते हैं, आईडी इक्वल पैरा, फर्स्ट करें पैरा लेफ्ट हमने आईडी दिया, ठीक है। क्योंकि अब मैंने आईडी इसलिए दी कि मैं आईडी सेक्टर यहाँ पे अब यूज़ करूँगा। अगर आपने आईडी सेलेक्टर यूज़ करनी है तो इसके लिए क्या करना है, और फिलहाल इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि सिंपल हो जाए, और यहाँ पे फॉन्ट साइज को भी रिमूव कर देते हैं, कलर फिलहाल रेड रहने देते हैं। आईडी के लिए हमने यूज़ करना था डॉट, नहीं डॉट के लिए यूज़ करना, हमें क्या करना है हैश साइन की आईडी थी वहाँ पे पैरा लेफ्ट। अब हम इसमें डिफाइन करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। अच्छा जी, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं W3 स्कूल के वेबसाइट के ऊपर कि क्या क्या ऑप्शन हैं। अलाइनमेंट सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, जस्टिफाइड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या फर्क है। लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट पहले सेलेक्ट कर लें, फिर हमने लेफ्ट के लिए रूल डिफाइन किया टेक्स्ट लेफ्ट। सेव करें, सेव करने के बाद अब पेज को रिफ्रेश करें। अब आपके पास ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन है, अभी आपको फर्क नजर नहीं आएगा जब तक हम बाकी ना देख लें। अब हम जाते हैं दोबारा से यहाँ पर, इस पैराग्राफ को कॉपी करते हैं,
कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर दें। आईडी लेफ्ट की जगह पे हम कर लेते हैं राइट, ठीक है, पैरा राइट। और यहाँ पे हम इसी रूल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पैरा आर एच एस टी राइट, और टेक्स्ट लाइन हम क्या कर देते हैं राइट। आप पेज को सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें। अच्छा आप देखें दोनों में फ़र्क, दोनों में क्या फ़र्क है, आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट लाइन था तो हर चीज़ लेफ्ट से शुरू हो रही है, यहाँ पे राइट लाइन है तो आप देखेंगे यहाँ पे राइट पे तो बिल्कुल सही स्पेस, लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है, तो ये राइट लाइन है, ठीक है, लेफ्ट और राइट आपको समझ आ गया। अब हम बाकी दो भी देख लेते हैं, हम रूल बना लेते हैं सेंटर को जस्टिफाई का, पैरा सेंटर के लिए कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं जस्टिफाई के लिए पैरा सेंटर, यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटर और पैरा जस्टिफाई, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जस्टिफाई। इस फाइल को सेव करें और अब यहाँ पे इसी पैराग्राफ को फिर से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी दो दफा पेस्ट कर लें ताकि आपके पास दोनों एक दफे जब नजर आ जाए। पैरा आप सेंटर लिखें, आईडी और इसकी लिखें जस्टिफाई, यहाँ तक सेव करें और अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सेंटर लाइन में क्या होगा, सेंटर लाइन में हर चीज़ सेंटर लाइन होगी, यहाँ भी स्पेस है लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, ठीक है, पहली लाइन पे भी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। और जस्टिफाई में देखें, जस्टिफाई में इसने क्या किया है कि उसने पूरे पेज पे उसको कोशिश की कि दोनों तरफ स्पेस ना हो। अब इसमें पहली लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी लेकिन जस्टिफाई में उसने यहाँ से स्पेस भी खत्म कर दी, इसलिए सेकंड लाइन भी कंप्लीट आ गया, थर्ड यहाँ तक थी क्योंकि यहाँ तक आ गया हमारे पास। तो अब आपको लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई भी समझ आ गया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आज का क्या है, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट को भी देख लेते हैं तो लाइन हाइट क्यों यूज करते हैं, लाइन हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन हाइट को मैं हेडिंग पे आपको करके दिखाता हूँ। हम फिर से एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं H1, ठीक है, और H1 This is my heading and this is my heading and this is again my heading and so on। ये हमने एक हेडिंग डिफाइन की। अब यहाँ पे हम H1 के लिए डिफाइन करते हैं, H1 के लिए मैंने खत्म कर दिया, नहीं किया, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे लाइन हाइट, लाइन हाइट अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, फर्स्ट करें मैं लिखूँ 30% और हम देखें सेमी कोलन ऐड करें। अब पहले देखते हैं इसे क्या हुआ है, लाइन हाइट से क्या फर्क पड़ता है, चेक करते हैं। अच्छा ये अभी इसको मैं एडिंग और बड़ा करना पड़ेगा ताकि हमें फिजिकल फर्क नजर आए, इसको हम एडिंग जरा और बड़ी कर लेते हैं, हेडिंग 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 एंड फिर कॉपी पेस्ट कर लिए ताकि जरा बड़ी हो जाए। अच्छा आप देखें हेडिंग में क्या हुआ, ये ओवरलैप हो रही है, ठीक है, 30% लाइन हाइट के, तो इसका मतलब ये ओवरलैप हो रही है। हम लाइन हाइट से बताते हैं कि दो लाइनों के बीच स्पेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये ओवरलैप हो गई। अब मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट करें 100% और सेव करें। अब आप रिफ्रेश करें, अब देखें आपके पास इन दोनों लाइनों के दरमियान स्पेस हो गई है 100%, ठीक है। तो लाइन हाइट क्यों यूज करती है, अगर एक हेडिंग है या एक पैराग्राफ है और उनमें मल्टीपल लाइन है तो उनके दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। अब मैं इसको 200 कर देता हूँ, यहाँ फर्स्ट में 300 करता हूँ, 300 करें और पेज पर रिफ्रेश करें। अब देखें आपके पास जो हेडिंग्स के दरमियान, जो हेडिंग के अंदर मल्टीपल लाइन है उसके दरमियान स्पेसिंग और ज़्यादा हो गया। तो लाइन हाइट भी आपको समझ आ गया, लाइन हाइट क्यों यूज़ होता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, हमने स्टाइलिंग द टेक्स्ट डिफरेंट तरीके देखे हैं, टेक्स्ट को स्टाइल करने के, फॉर्मेट करने के, इंपॉर्टेंट टैग देखा है, रूल्स प्रेसिडेंस देखा है और कैसे हेडिंग का मीनिंग सीखा है।